हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्कॉलर्स वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू वंस अगेन टू योर ओन चैनल आनंद द लॉ कॉन्सेप्ट ए टी एल सी फ्रेंड्स आज हम लोग यूजीसी नेट लॉ पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें आज जो सब्जेक्ट है वो है लॉ ऑफ टॉट्स के इम्पॉर्टेंट केस लॉज जी हाँ ये वो केस लॉज हैं जो आप अगर पढ़ लेते हैं समझ जाते हैं तो आपका जो लॉ ऑफ टॉट्स का पेपर आएगा उसमें से कुछ नहीं तो तीन से चार क्वेश्चन आपके केस लॉज पे डिपेंडेंट होते हैं वो आपका ईजिली क्रैक हो जाएगा तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट एंड सी द स्लाइड नंबर वन लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट केसेस और जो पहला केस है वो राइलेंट्स वर्सेज फ्लैचर का है आप सब लोग जानते हैं कि ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से रिलेटेड एक केस है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है या फिर नो फॉल्ट लाइबिलिटी भी अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाता है तो परेशान मत होइएगा ये दोनों ही शब्द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी या नो फॉल्ट लाइबिलिटी रिलेटेड हैं राइलेंट्स वर्सेज फ्लैचर केस लॉज से सेकेंड वन इज अ अपर स्टेज ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी दैट इज़ अब्सल्यूट लाइबिलिटी इसमें आपका हिस्टोरिकल लैंडमार्क जजमेंट जो कि एम सी मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया नाइनटीन एटी सेवन जिसको ओलियम गैस लीक केस के नाम से भी जानते हैं ये केस लॉ मैचिंग में आ जाए या सीधे पूछे किससे रिलेटेड है तो आपको याद रखना है कि ये अप्सल्यूट लाइबिलिटी से रिलेटेड है इसी के साथ एक केस और है जो अपसल्यूट लाइबिलिटी से बार बार पूछता है इंडियन काउंसिल फॉर एवरो लीगल एक्शन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया जी हाँ इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन वर्सेज़ यूनियन ऑफ इंडिया ये भी अप्सलूट लाइबिलिटी से ही रिलेटेड केस है तो आपको ये दो केस लॉस ध्यान रखने हैं आप मेरी बात पे बिल्कुल विश्वास मत कीजिएगा क्वेश्चन पेपर लगाइएगा प्रीवियस ईयर का या कोई भी मॉक टेस्ट ज्वाइन किए हैं उसमें आप देखेंगे कि ये केस लॉज रिपीटेड पूछे जा रहे हैं द थर्ड इज द स्मिथ वर्सेज जॉ स्मिथ वर्सेज लंडन एंड साउथ वेस्टर्न रेलवे कंपनी जो कि नेग्लिजेंस से रिलेटेड है नेग्लिजेंस से रिलेटेड चार केसेज हैं जो आपको बार बार पूछेगा जैसे डोंगी वर्सेज स्टीवसन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डेली वर्सेज सौभाग्यवंती का भी केस नेग्लिजेंस से ही है रूरल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज वर्सेज़ बेंजुलम बेबी ये भी आपका नेग्लिजेंस से रिलेटेड है एक बात और ध्यान रखिएगा अगर कहीं नेबर के नाम से भी कोई केस पूछता है नेबर लाइबिलिटी के नाम से तो वो भी आपका नेग्लिजेंस में ही आता है खास तौर पर डोंगी वर्सेज स्टेफेंशन में ये बताया गया था नेक्स्ट वन इज़ मनिजा हॉल वर्सेज़ ब्रुक्सलैंड ऑटो रेसिंग क्लब ये है बी एन एफ आई वॉलेंटरी लॉनफिट इंजूरिया मतलब जिसमें आप वॉल्टेरली रिस्क क्या करते हैं एक्सेप्ट करते हैं एक बात ध्यान रखिएगा मेयर द नॉलेज ऑफ द रिस्क इज नॉट अ कंसेंटेड रिस्क कि भाई आप उसको एक्सेप्ट करने जा रहे हैं मेयर नॉलेज इज नॉट अ डिफेंस अंडर द लॉ ऑफ टर्ड्स नॉलेज एज वेल एज एक्सेप्टेंस कि हाँ भाई हम उस रिस्क को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं बोथ थिंग्स थिंगट टू बी इंक्लूडेड वी एन एफ आई से रिलेटेड एक केस और है पदमा वर्ष वर्सेज दुगनायक का केस वेरी इंपॉर्टेंट केस है तो इसको आप स्क्रीन ले लीजिए या आप लिख लीजिए ये एक डेडिकेटेड रिसर्च के बाद ये केसेस मैं आपको अडॉप्ट कर रहा हूँ रिफर भी है आप इसको पढ़ के जाइएगा पेपर में आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट वन इज़ निज़ा हाइनेस वर्सेस हारवुड वी एन एफ आई का केस ये भी है तो कुल मिला के आपको तीन को वी एन एफ आई केस के याद करने हैं हाइनेस वर्सेस हारवुड का केस है इधर आपने लास्ट में देखा देखा पद्मावत वर्सेस दिगनायक का केस है हॉल वर्सेस ब्रुक्सलैंड ऑटो रेसिंग क्लब है यहाँ लोग केस वगैरह देखने रेस वगैरह देखने गए थे उनको चोट लग जाती है ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होंगी ये क्रैश कोर्स की तरह है तो इसमें ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं है आप पेपर क्रैक करने की चीज़ें यहाँ पर बता रहा हूँ मैं ठीक है एक और है निकोलस वर्सेस मार्शलैंड और कल्लू लाल वर्सेस हेमचंद ये दोनों ही केस लॉज विजर या एक्ट ऑफ गॉड से रिलेटेड है एक्ट ऑफ गॉड जब भी आप ह्यूमन uh, इंटरफेरेंस से uh, इतर जो नेचुरल फोर्सेस हैं उनसे कोई घटनाएं घटती है तो उनको हम कहते हैं एक्ट ऑफ गॉड जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस ना के बराबर होता है द थर्ड वन इज अ बर्ड वर्सेज हॉलब्रुक ये प्लेंटिफ रॉन्ग डूअर बस की ध्यान रखिएगा कि प्लेंटिफ रॉन्ग डूअर कहीं के, के, केस का मेंशन है तो वहाँ पर बर्ड वर्सेस हॉलब्रुक का केस आप मैच कर देंगे अब आपको रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस के रिलेटेड कुछ केसेस हैं जैसे स्कॉट वर्सेस शिपार्ड ये रिमोटनेस ऑफ डैमेज से रिलेटेड है पहले तो ये जान लीजिए कि कौन कौन से केसेस रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस से रिलेटेड हैं स्मिथ वर्सेज लंडन एंड वेस्टर्न रेलवे कंपनी ये भी है एंड एक और है रीपोलिमस वर्सेस फर्नेस विथ एंड कंपनी लिमिटेड ये भी है ओवरसीज टैंक शिप लिमिटेड वर्सेस मोटार डॉग्स जिसको वेगन माउंट केस के नाम से जाना जाता है और इंडिया में हम यही चीज़ अप्लाई करते हैं वेगन माउंट केस को ही जनरली अप्लाई करते हैं और सबसे बेटर टेस्ट यही माना जाता है लास्ट वाला ओवरशिप्स टैंक्स लिमिटेड वाला ये वाला जिसमें आप रीजनेबल फॉरसाइट इज बेटर अगर कोई घटना है जिसको आप देख सकते हैं एक तरीके से तब तो भाई उसके लिए आपको डैमेजेस पे करने होंगे अदरवाइज नहीं और ये जो है रिपोलिमस ये डायरेक्ट टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस के नाम से भी अगर कोई आपसे कोई केस पूछता है तो आप रिपोलिमस याद रखिएगा रीजनेबल फॉरसाइट के नाम से अगर कोई पूछता है तो लंडन वाला केस ध्यान रखिएगा और रिमोट बद प्रॉक्सिमिटी अगर ये भी कहीं लिखा है रिमोटनेस और डैमेज नहीं लिखा गया है तो आप स्कॉट वर्सेस सेफ का केस याद रखिएगा एक और है एशबे वर्सेस वाइट वर्सेस भीम सिंह वर्सेस जम्मू स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आपको याद होगा जम्मू भीम सिंह को रोका गया था क्या कहते हैं असेंबली जाने से तो यहां पर इंजीरिया सिमडम है मतलब वोलेशन ऑफ लीगल राइट्स विदाउट एनी डैमेज तो लॉ ऑफ टॉट्स में डैमेजेस प्रूफ करना इज नॉट अ कंपल्सरी और असेंशियल एलिमेंट ऑफ द कमिटिंग द टॉट जबकि आपके वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट हुआ हो यू आर द रिस्पांसिबल अगर आपने किसी का वॉल्यूशन ऑफ लीगल राइट किया है जैसे ट्रेस पास भले ही आपके अंदर घर के अंदर कोई आकर के चला गया उसने आपके घर के ना कुछ चुराया ना कुछ तोड़ा बट यू हैव राइट टू ट्रेस पास कि भाई हमारे घर में कोई ना आने पाया अगेंस्ट द ट्रेस पास यू हैव राइट अगेंस्ट द ट्रेस पास तो आपकी सिर्फ वॉलिशन हुआ तब भी वो जिम्मेदार ठहरा जाएगा इसी में एक केस और है इसी में एक केस और है ध्यान से देखिएगा शायद आपकी स्लाइड में ना दिख रहा हो मैं मिनट ग्रामर स्कूल क्या हुआ था सामने वाले ने एक स्कूल खोल लिया था कि स्कूल के फीस कम करके उसका लॉस कराया उसके एडमिशन कम होने लगे तो यहां पे कहा गया कोई उसने लीगल वॉल्यूशन नहीं किया है आपका आपको एडमिशन कम मिले डेफिनेटली आपके स्कूल का रेवेन्यू कम जनरेट हुआ बट सामने वाली पार्टी ने आपके साथ कोई लीगल वॉल्यूशन ऑफ राइट्स नहीं किया तो ये केस भी ध्यान रखिएगा ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल ये किससे रिलेटेड है मतलब कि डैमेजेस विदाउट एनी ऑफ द लीगल राइट्स लास्ट स्लाइड में देखते हैं सहेली वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस नौ साल का बच्चा इसमें मारा मारा गया है तो वाइकेरस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट्स ये भी ध्यान रखिएगा सुदान सिंह वर्सेज न्यू म्यूनसिपल न्यू डेली म्यूनसिपल कमेटी ये नेसेसिटी के प्रिंसिपल से हैं। है ठीक है बिंद्रा देवी चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश ये रस स्पाइलिक्वेटियर्स है रस स्पालिक्वेटर का मतलब होता है थिंग्स स्पीक्स फॉर इट ये अगर आपसे कहीं पूछे तो रस स्पालिक्टर का मतलब क्या है तो थिंग्स स्पीक्स फॉर इट सेल्फ स्टेल वर्सेज पॉवल का केस है इन एविटीएबल एक्सीडेंट से रिलेटेड है तो ये सारी स्क्रीन शॉट्स आप ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में मिलेंगी और इनको आपको याद भी रखना है नॉट फॉर द यू जी सी नट ओनली बट ऑल फॉर द जुडिशियल एंड द ए पी ओ एग्ज़ाम्स या किसी भी प्रकार का एग्जाम आप दे रहे हो आप सेमेस्टर एग्जाम में हो तब भी इसको लिख लीजिए आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को दे रहे हैं या आप एडवोकेट हैं या आप कुछ भी कर रहे हैं जो कि लीगल फील्ड से जुड़ा हुआ है तो इन सारे केस लॉज को आप फॉर द स्पेसिफिकली लॉ ऑफ टॉर्ड्स के लिए याद रखिएगा ओके सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर द यू जी सी नेट लॉ ट्वेंटी ट्वेंटी टू